अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। हम डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग सिविल 104 चैप्टर नंबर 1 सर्वेइंग टॉपिक चेन खोलना अनफोल्डिंग द चेन। चेन इस्तेमाल करने से पहले खोला जाता है। चेन खोलने के लिए सबसे पहले चेन पर लिपटी हुई स्ट्रिप को खोला जाता है। इसके बाद चेन की दोनों दस्तियों हैंडल्स को बाएं हाथ में पकड़कर बाकी चेन दाएं हाथ की हथेली पर रखी जाती है। इसके बाद बाएं पांव को आगे निकालते हुए गोला फेंकने के अंदाज में चेन को पूरी कुव्वत के साथ फेंका जाता है। इस दौरान बाएं हाथ से चेन की दस्तियों को मजबूती से पकड़ा जाता है। ज़मीन पर पड़ी चेन को दूसरे साथी की मदद से दरमियान से पकड़कर पूरी चेन को दोहरी हालत में ज़मीन पर लिटाया जाता है। दूसरे साथी को एक दस्ती पकड़कर चेन को मुकम्मल तौर पर खोल लिया जाता है। और दूसरा टॉपिक चेन बंद करना फोल्डिंग द चेन। काम के अहतमाम पर चेन को बंद किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले चेन की दोनों दस्तियों को मिलाकर और चेन को दरमियान से पकड़कर दोहरा किया जाता है। इसके बाद चेन के दरमियान वाली टैली की तरफ से दोहरी चेन को उठाकर इसके लिंक्स का पहला जोड़ बाएं हाथ में और दूसरा जोड़ दाएं हाथ में पकड़कर बाएं हाथ में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी तरह लिंक्स का जोड़ा जोड़ा करके चेन को इकट्ठा कर लिया जाता है। आखिर पर दोनों दस्तियों को आपस में मिलाकर सीधा कर लिया जाता है, ताकि चेन खोलते वक्त मुश्किल का सामना ना करना पड़े और आखिर पर चेन को स्ट्रिप से बांध लिया जाता है। टॉपिक नंबर 3 चेन सर्वे में मुसलसें बनाना ट्राइलिटरेशन इन चेन सर्वे। ट्राइएंगुलेशन होना चाहिए था, इसका क्या मायने होगा, हो सकता है चेक करना पड़ेगा। चेन सर्वे करते हुए कोशिश की जाती है कि पूरे इलाका की तफसीलात हासिल कर ली जाए। इस मकसद के लिए पूरे इलाका में चेन लाइनें बिछा कर चेन सर्वे किया जाता है और बाद में इन लाइनों की मदद से नक्शा तैयार किया जाता है। चूँकि चेन सर्वे में जाविया नापने वाला कोई औजार इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए सिर्फ लाइनों की पैमाइश से ही नक्शा तैयार करना होता है। सिर्फ मुसलस यानी ट्राइंगल ही ज्योमेट्री की ऐसी शक्ल है जो जाविये के बगैर अतराफ की लंबाइयों की मदद से अपनी हकीकी शक्ल में बनती है। दीगर अशकाल बनाने के लिए जाविया ज़रूरी होता है, इसलिए जिस इलाका में चेन सर्वे करना हो तो इस इलाका में मुसलसों का जाल बिछा दिया जाता है। मुसलसें इस तरह बनाई जाती हैं कि इनके जाविये बहुत छोटे या बहुत बड़े ना बने। बेहतरीन मुसलस का कोई जाविया 30 दर्जा से छोटा या 120 दर्जा से बड़ा नहीं होना चाहिए या नहीं होता। तो इससे एक सवाल आता है, यहाँ पर एक बेहतरीन मुसलस, ऐसी मुसलस जिसका कोई भी जाविया 30 दर्जे से छोटा और 120 दर्जे से बड़ा ना हो,
ये एक सवाल भी है, ठीक है। इस तरह चेन सर्वे के लिए मुसलसे बनाने को ट्राइलिटरेशन ही कहा जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह चेन सर्वे एक बनाने में जिसमें हम चेन सर्वे करते हुए मुसलसों में तकसीम कर देते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइलिटरेशन, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त और बआसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।